आधार पर आज का टॉपिक है। तो इसमें देखो जो हमारा सिलेबस जनक जो हमारा पाठ्यक्रम है यानी कि जो हमारा करिकुलम है पाठ्यक्रम जो कह दो या करिकुलम कह दो पाठ्यक्रम की परंपरागत है यानी कि जो हमारी पीछे से परंपरागत तरीके से चला आ रहा है हमारा पाठ्यक्रम हमारा करिकुलम परिदृश्य की कुछ अर्थों में आलोचना की गई है कि जन की जो हमारा परंपरागत परिदृश्य है उसने कुछ जो ऐसे अर्थ हैं उनकी क्या आलोचना की गई है हमारे पाठ्यक्रम में क्योंकि इसमें परंपरावादिता क्योंकि जो ये हमारा पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम में परंपरावादिता पर बल अधिक पर अधिक बल दिया गया है। इस पर परंपरावादिता पर अधिक बल दिया गया है हमारे करिकुलम में दिया गया है और मानव के तर्क एवं चिंतन है जो मानव तर्क और चिंतन की इसमें उपेक्षा की गई है पाठ्यक्रम में। जो भी व्यक्ति इन परंपराओं का विरोध करता है या विरोध में बोलता है तो उसको समाज द्वारा दंडित कर दिया जाता है यानी कि जो भी व्यक्ति इस पाठ्यक्रम के बारे में बोलता है तो उसका विरोध किया जाता है या उसको दंडित किया जाता है। और जो ये हमारा पाठ्यक्रम है जो ये पाठ्यक्रम है जब इस पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार के दोष पाए गए हैं इस करिकुलम में अनेक प्रकार के दोष पाए गए हैं जिनके आधार पर इसकी आलोचना जिसके आधार पर इसकी आलोचना की गई है किसी पाठ्यक्रम की। इसका प्रमुख आलोचनात्मक जो इसके निम्नलिखित बिंदु हैं इसमें पहला पॉइंट है यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है इसमें जो इसकी पहली आलोचना की गई है उसमें कहा गया कि परंपरागत प्रक्रियाओं की अवस्थाओं एवं व्यवस्थाओं यानी कि जो हमारी परंपरागत प्रक्रियाएं हैं प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा वैज्ञानिक आधार की समीक्षा है वो वैज्ञानिक आधार पर नहीं की जाती। और जो ये हमारी पाठ्यक्रम में जो परंपरागत प्रक्रियाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं उनकी जो समीक्षा है वैज्ञानिक आधार पर नहीं की जाती। जो परंपराएं चली आ रही हैं यानी कि जो प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको धर्म समझकर उनका क्या किया जाता है पालन किया जाता है। इसलिए इस पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्यों का अभाव दिखाई देता है यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम प्राचीन काल से चला आ रहा है उसे धर्म समझकर उसकी पालना की जाती है। और इसमें जो है इसलिए इस पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्यों का अभाव देखा जाता है। इसमें एक नंबर तो बात ये कही गई है। दूसरी बात ये है कि जो ये हमारा पाठ्यक्रम है परंपरागत पाठ्यक्रम परिदृश्य में तर्क एवं चिंतन यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम के परिदृश्य में तर्क एवं चिंतन दोनों का क्या इसमें अभाव था। इसमें छात्रों को किसी भी सामाजिक परंपरा के बारे में तर्क एवं चिंतन की प्रेरणा देने के स्थान पर उसको मात्र अनुकरण कर शिक्षा प्रदान करने को कहा गया है इस हमारे जो पाठ्यक्रम में यानी कि जो हमारा ये पाठ्यक्रम है उसमें बच्चे को तर्क एवं चिंतन के बारे में नहीं बल्कि जो ये सामाजिक परंपरा है उसके बारे में अनुकरण करके शिक्षा प्रदान करने और चिंतन की प्रेरणा दी गई है और इसके माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करने को कहा गया है। अब इसमें जो तीसरी बात कही है जो भाई हमारा पाठ्यक्रम है उसमें तीसरी बात ये कही गई कि जो परंपरागत पाठ्यक्रम है परंपरागत पाठ्यक्रम में परिदृश्य जो हमारा परंपरागत पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम परिदृश्य में आधुनिकता का अभाव पाया जाता है या देखा जाता है उसमें आधुनिकता का अभाव देखा जाता है उसके परिदृश्य के पाठ्यक्रम में। इसमें समाज की जो पुरानी परंपरा है या रूढ़िवादिताओं का विरोध नहीं किया जाता यानी कि जो ये पुरानी परंपराएं चली आ रही जो हमारे पाठ्यक्रम में रूढ़िवादिता पाई जाती है उनका विरोध नहीं किया जाता वरन उसको पुष्ट करने का कार्य किया जाता है यानी कि उसको पोषण देने का पुष्ट करने का काम किया जाता है। इस प्रकार यह जो ये हमारे इस प्रकार जो ये व्यवस्था है आधुनिक पाठ्यक्रम के विरोध मानी जाती है यानी कि ये हमारा पाठ्यक्रम है इसके पाठ्यक्रम जो ये व्यवस्था है उसको विरोधी मानी जाती है। और जो ये हमारा परंपरागत पाठ्यक्रम परिदृश्य है परंपरागत पाठ्यक्रम परिदृश्य में सार्वभौमिक तथ्यों का अभाव पाया जाता है यानी कि जितने भी हमारे समाज के सार्वभौमिक तथ्य हैं उन सभी तथ्यों का इसमें अभाव पाया जाता है। इसलिए इस पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयोगिता मात्र जो है इसकी स्थानीय है जो इसकी उपयोगिता मात्र है वो क्या है स्थानीय समाज के लिए ही मानी जाती है यानी कि जिस एरिए के लोग हैं उसके स्थानीय समाज के लिए इसकी परिदृश्य इसलिए इस पाठ्यक्रम की जो उपयोगिता मात्र है वो स्थानीय जो समाज है उसके लिए ही मानी जाती है। परंपरागत पाठ्यक्रम परिदृश्य में
अनुसंधानक जन की जो हमारा पाठ्यक्रम परिदृश्य पाठ्यक्रम है, परंपरागत पाठ्यक्रम परिदृश्य को अनुसंधानात्मक कार्यों के को महत्व नहीं प्रदान किया जाता, यानी कि जो ये हमारे अनुसंधानात्मक कार्यों को महत्व प्रदान नहीं किया जाता, इसमें विविध जो अनुसंधानात्मक निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया जाता, साथ ही जो हमारे अनेक प्रकार के अनुसंधानात्मक निष्कर्ष हैं उनको निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया जाता, और इसमें जो नियम हैं या ये परंपराएं हैं के विरोध होता है, यानी कि जो ये जो नियम है नियमों का और सिद्धांतों का इसमें विरोध होता है, इसलिए इसमें अनुसंधानों को कोई स्थान नहीं दिया गया है किसमें, हमारे पाठ्यक्रम परिदृश्य में, यानी कि जो हमारा परंपरागत पाठ्यक्रम परिदृश्य है उसमें अनुसंधानात्मक नियमों को कोई स्थान नहीं दिया गया बल्कि उनका विरोध किया गया है। और इसके साथ ही छठी बात इसमें कही गई है कि इस पाठ्यक्रम में शिक्षक छात्र की सहभागिता का अभाव होता है, इसमें जो है इस पाठ्यक्रम में शिक्षक छात्र की दोनों की सहभागिता का अभाव होता है, और वर्ड इसमें जो अनुकरण है उसको ही प्राथमिकता दी जाती है, अनुकरण होता है सुनना, यानी कि सुनने को ही प्राथमिकता दी जाती है, और शिक्षक द्वारा समाज की परंपराओं का अनुकरण किया जाता है, यानी कि जो शिक्षक है शिक्षक द्वारा ही समाज की जो परंपराएं हैं उनका अनुकरण किया जाता है, तथा छात्र द्वारा शिक्षक की परंपराओं का अनुकरण किया जाता है, यानी कि शिक्षक द्वारा ही छात्र द्वारा शिक्षक की परंपराओं का अनुकरण किया जाता है, यानी कि जो शिक्षक है वो समाज की परंपराओं का अनुकरण करता है, और जो छात्र है वो शिक्षक ने जो समाज से परंपराएं दी हैं उन परंपराओं का अनुकरण किया जाता है। इस प्रकार इसमें अनुकरण की प्रधानता स्वतः दिखाई देती है, इसमें केवल सुनने की ही परंपरा है वो ही अनुकरण करने की ही जो प्रधानता है स्वतः वही दिखाई देती है। इस पाठ्यक्रम में संश्लेषण और विश्लेषण का स्थान कम है, जो ये हमारा परिदृश्य पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम में संश्लेषण एवं विश्लेषण दोनों का स्थान कम है। समाज में यदि स्त्री शिक्षा निषेध, यानी कि स्त्री को शिक्षा नहीं देती, वो शिक्षा से वंचित रहती है, शिक्षा निषेध है तो समाज में बलि प्रथा का समावेश है, यानी कि बलि देने की प्रथा का समावेश है, तो इन पर किसी प्रकार का संश्लेषण विश्लेषण नहीं किया जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये तो ही हमारे प्राचीन काल से जो परंपराएं चली जा रही हैं उसी परंपराओं को आगे बढ़ावा दिया जाता है, और साथ ही जो हमारे समाज में स्त्री शिक्षा जो है वो निषेध है, यानी कि शिक्षा स्त्री शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर पाती, इसके संश्लेषण विश्लेषण तथ्यों का कोई को नहीं खंगाला जाता, और जो ये हमारी समाज में बलि प्रथा है ना ही उसके बारे में सोचा जाता है, और इसके साथ ही इसमें जो मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों का अनुकरण नहीं होता, इसमें जो मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं उनका सिद्धांतों का अनुकरण नहीं किया जाता, वर्ण जो सामाजिक मनोदशा के अनुरूप ही इसको तैयार किया जाता है, यानी कि जैसी समाज की अनुरूप दशा है उसके हिसाब से ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है, इसके लिए पाठ्यक्रम के में जो छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और इसके साथ ही जो छात्र हैं उनको जो शिक्षा में वर्ण छात्रों को सामाजिक मनोदशा के अनुरूप ही तैयार किया जाता है, यानी कि जैसे हमारे समाज की मनोदशा है उसी प्रकार से छात्रों को तैयार किया जाता है। इस पाठ्यक्रम परिदृश्य को अविकसित एवं स्थिर, इस जो ये हमारा पाठ्यक्रम परिदृश्य है उसको अविकसित एवं स्थिर या अविकसित या स्थिर पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है, और साथ ही इसमें जो है आगे की इस पाठ्यक्रम में जो परिदृश्य अविकसित और अस्थिर दिखाई देता है और संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जो भी परंपराएं प्रचलन में हैं, यानी कि जो भी ये परंपराएं चल रही हैं हमारे समाज में प्रचलन में, उससे आगे के लिए अधिक विकासात्मक व्यवस्था का पक्ष भर नहीं होता, इससे जो भी हमारे समाज में उससे आगे के लिए यह अधिक जो है विकासात्मक व्यवस्था का पक्षधर नहीं होता, यानी कि जो हमारे समाज में परंपराएं चली आ रही हैं उसी परंपराओं के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम तय किया जाता है, और जो समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं इन क्रियाओं को शिक्षक ग्रहण करता है
और अनुकरण का अनुकरण करता है, और अनुकरण करने के बाद शास्त्र भी उन सभी चीजों को अनुकरण करता है। इसमें जो हमारे मनोवैज्ञानिक या अनुसंधात्मक तथ्य हैं उनका कोई भी संश्लेषण विश्लेषण नहीं किया जाता। तो जो ये अब यह प्रश्न उठता है कि जो हमारे पाठ्यक्रम संबंधी इन कमियों को दूर किया जाए, अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो भी कमियां हैं हमारे पाठ्यक्रम में उन कमियों को किस प्रकार दूर किया जाए जिससे कि पाठ्यक्रम अधिक से अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बन सके। और इनके मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का जो निर्धारण एवं संरचना की दृष्टि से कुछ आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है। अब इनके जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। पहला सिद्धांत है सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय। व्यवहार संबंधित यानी कि जो ये हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण है, निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान बालकों को यानी कि पाठ्यक्रम को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो छात्र पाठक जो बच्चे पुस्तकों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ने से जो बालक को ज्ञान प्राप्त होता है उसे वह अपने व्यवहार में भी ला सके। यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो वो पढ़ रहे हैं उस चीज को पढ़ी हुई को अपने व्यवहार में भी ला सके, ऐसा पाठ्यक्रम हो। वस्तुतः यदि देखा जाए तो वर्तमान में जिन बातों का समावेश है, यानी कि हमारे वर्तमान में टाइम में जिन बातों का समावेश है उनका बालकों को व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत जीवन विशेष महत्व नहीं है। यानी कि जो हमारे वर्तमान पाठ्यक्रम में जिन बातों का समावेश है उनका बालकों के व्यक्तिगत जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तो बालक भूगोल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी कि बालक है वो क्या करता है भूगोल का ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, परंतु यह नहीं समझ पाते कि उस भौगोलिक जानकारी का किस प्रकार उपयोग या लाभ अर्जित किया जा सके। यानी कि बच्चे ने स्कूल से यह तो भूगोल के बारे में तो जानकारी ले ली, लेकिन अब उसको अपने व्यवहार में लाए किस तरह उसका लाभ उठाए यह अर्जित नहीं कर पाता। दूसरी ओर जो बातें प्रयोग द्वारा सीखी जाती हैं उनका बालकों का जो उस पर बालकों पर जो उसका प्रभाव है अमिट प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवनोपयोगी बातों को बालक प्रयोग द्वारा ही सीखे, यानी कि जो उसके जीवन में जीवन उपयोगी जो भी बातें हैं उन बातों को बालक प्रयोग द्वारा ही सीखे। और जो हमारा पाठ्यक्रम में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि अधिकांश ज्ञान बालकों को उसके इसके द्वारा दिया जाए जो ज्ञान वे प्राप्त करें और उसे अपने जीवन में उपयोग कर सके। यानी कि बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो कि वो उसका उपयोग कर अपने जीवन से संबंधित व्यवहार हैं जो भी उसकी जीविका उपार्जन कर सके, इस प्रकार का उनको ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो कि उनके जीवन से संबंधित हो और उसके जीवन को उच्च बना सके। तो इसमें पहला आ जाता है सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय। दूसरा है स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित। दूसरा सिद्धांत है इसमें जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित सिद्धांत। तो इसमें देखो
जब तक किसी बात को सीखने की आवश्यकता जो है अनुभव नहीं की जाती, यानी कि किसी बात को सीखने की जो बच्चे द्वारा आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती, तब तक बालक उसमें मन लगाकर का सीखने का प्रयत्न नहीं करेगा। कि जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होएगा किसी काम को सीखने में, तब तक वह उस काम को मन लगाकर नहीं सीखने का प्रयत्न नहीं करेगा। साथ ही यह सत्य है कि प्रत्येक स्थान की आवश्यकताएं, प्रत्येक स्थान की जो आवश्यकताएं हैं वो एक दूसरे में से स्वर्था क्या होती है, भिन्न होती है। गांव वाले बालकों को, और उदाहरण के तौर पर जैसे गांव वाले जो बालक हैं बालकों को खेती, और शहरगण में रहने वाले बालकों को उद्योग की शिक्षा देना ही हितकर रहता है। साथ ही जो पहाड़ी स्थानों और मैदानी भागों में जो लोग रहते हैं रहने वाले वालों में परस्पर भेद होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। स्थानीय आवश्यकता, यानी कि जिस एरिया में छात्र रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या कहते हैं कि जो गांवों में बच्चे रहते हैं उनका जो पाठ्यक्रम है खेती पर आधारित, और जो शहरों में रहते हैं उनका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए उद्योग पर आधारित होना चाहिए, यानी कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। उस पर आगे का है तीसरा वर्ण अनुभवों पर आधारित। जैसे पहले बार निकाल कि स्थानीय आवश्यकताओं, स्थानीय क्षेत्र के आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि आगे पाठ में ये बात कही गई है कि जो लोग पाठ्यक्रम तैयार करते हैं वो उस एरिए, यानी कि जो लोग उस पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं वो उनको उस क्षेत्र का अनुभव नहीं होता। जिन्हें अनुभव होता है वो पाठ्यक्रम निर्माण करने में उनकी सहायता भी नहीं दी जाती। जिनको कि जिस एरिया में रहता है का उनको पता होता है उसके अनुभव भी नहीं दिए जाते, और जो परिणाम है जो हमारा पाठ्यक्रम में उन बातों को उचित स्थान मिल पाता है जो बालकों के लिए आवश्यक है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण उन व्यक्तिगत जो व्यक्तियों के को अवश्य स्थान मिलना चाहिए, यानी कि जो उस एरिया में लोग रहते हैं उनको अवश्य स्थान मिलना चाहिए जो बालकों के व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं की कठिनाइयों से भलीभांति परिचित हों। यानी कि जो ये हमारा पाठ्यक्रम तैयार करता है उस पाठ्यक्रम को तैयार करने वाले को उस एरिया या स्थानीय वाले लोगों का वहाँ के जो है उनकी क्या चिंताएं हैं उनके आधार पर वो पाठ्यक्रम तैयार नहीं करते, वो केवल भलीभांति के पीछे नहीं होते। और एक बड़ा रोचक उदाहरण है जैसे कि 1956 में हुआ था, कौन सा, जैसे कि उत्तर प्रदेश उस समय पर कृषि विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। कब? 1955 और 56 में। कब? 1955 और 1956 में। कब? 1955 और 1956 में जो ये ध्यान जो देने योग्य एक बात थी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जैसे कि वहां पे खेती से संबंधित कृषि में दी जाने की आवश्यकता थी कि उनको कृषि से संबंधित जो है वैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अध्ययन के साथ साथ कृषि कार्यों से भी उनको सभी को अध्ययन के सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य है। कृषि विषय को स्नातकों को इस कार्य शिक्षण हेतु अध्यापक बनाया गया, स्नातकों के इस कार्य के शिक्षण हेतु कृषि अध्यापक बनाया गया। इनमें से अधिकांश अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें कृषि कार्यों का सैद्धांतिक अनुभव तो था किंतु व्यवहारिक अनुभव बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपने अध्ययन काल में कभी न पढ़ा ही नहीं कि उन्हें बताया गया है कि सरसों जैसा छोटा बीज एक बीघा या एक एकड़ में कितना होना चाहिए। यानी कि उस एरिया में जितने भी शिक्षक थे उनको यह सैद्धांतिक कृषि के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान तो था लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि
उसके अनुभव यानी कि जिसको उस चीज की प्रैक्टिस हो उसको पता हो या उसके अनुभव हो तो उनको साथ में शामिल करके ही हमारा जो ये पाठ्यक्रम है उसको तैयार करना चाहिए। उसके बाद है बालक बालिकाओं के लिए भिन्न पाठ्यक्रम। चौथा है इसमें बालकों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम बालक एवं बालिकाओं के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम। तो जो ये हमारा सिलेबस है यानी कि जो हमारे ये पाठ्यक्रम है उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं बालक और बालिकाओं के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। अतः उनकी जो शिक्षा पाठ्यक्रम है भी भिन्न होना चाहिए। बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा की जितनी आवश्यकता हो उतनी बालकों को नहीं होती। यानी कि जो ये हमारा गृह विज्ञान या होम साइंस सब्जेक्ट है जो जिसकी जितनी आवश्यकता इसमें बालिकाओं को होती है उतनी बालकों को नहीं होती। और इसी प्रकार व्यापार जो है आदि ऐसे क्षेत्र के जिनकी शिक्षा बालिकाओं की विशेष आवश्यकता नहीं होती जहाँ भाषा शिक्षा का प्रश्न है वह दोनों ही के लिए समान होती है। जैसे कि भाषा शिक्षा भाषा से संबंधित छोटे स्तर प्राथमिक पाठशालाओं में बालक बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम अपनाया जा सकता है और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नहीं। छोटी कक्षाओं में तो एक जैसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है लेकिन बड़ी कक्षाओं में ऐसा नहीं। और पाठ्यक्रम में इस भेद को उचित स्थान मिलना चाहिए कौन सा बालक एवं बालिकाओं के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम। तो अब इसमें जो है आगे पांचवा पॉइंट है पाठ्यक्रम जो है हमारा पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक सुधार। पाठ्यक्रम का जो आधार है पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक सुधार। यानी कि जो ये हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में सामाजिक सुधार के आधार को का आशय न केवल सामाजिक आवश्यकताओं का अनुरूपता हो अपितु जो भी हमारे समाज की रीति नीति या परंपराएं हैं। परंपराओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए जैसे हमारे त्यौहार हो गए होली दीपावली ईद हो गया क्रिसमस हो गया इसमें विभिन्न सदस्यों के संप्रदायों के क्षेत्रों से संबंध जो भी हमारे त्यौहार हैं परंपराएं हैं आदि रूढ़िगत ढंग से निर्वहन होने से यथावत ये क्या है सदियों से यथावत होता चला आ रहा है। जहाँ तक कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है के अनुसार फलदार वृक्षों की क्या है पूजा करना और इसको विधान माना जाता है। उन्हीं वृक्षों की पूजा से संबंधित जो हमारी पूजा अर्चना विद्यार्थियों को जानकारी देने के पश्चात वृक्षों की पूजा क्यों की जाती है इसके पीछे क्या क्या कारण है इनका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण लेकिन आज जो है इसको पर्यावरण प्रदूषण माना जाता है और उसको रोकने के लिए जो हमारे सरकार द्वारा वर्ष में अरबों खरबों रुपए लगा दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे लोग हमारे गंगा नदी होगी ऐसे में पूजा के टाइम पूजा अर्चना करते समय अनेक प्रकार की ऐसे जो वस्तुएं बहा देते हैं जिससे कि इसमें प्रदूषण फैल जाता है। तो ये हमारी जो पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक सुधार यानी कि जो ये हमारा पाठ्यक्रम है उनमें उन बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि जो हमारा समाज का सुधार हो सके। तो आज मैंने जो बताया था इसमें भारत के पाठ्यक्रम में सुधार तो इसमें जो पहले सुधार कौन किन किन कारणों से इसमें जो हमारा परंपरागत पाठ्यक्रम है उसका परिदृश्य के बारे में बताया था यानी कि जो ये हमारा परंपरागत प्रक्रिया जो है प्रक्रिया वस्तुओं की समीक्षा जो वैज्ञानिक आधार पर उसको नहीं किया जाता इसमें केवल जो हमारी परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद इसमें मैंने आपको सिद्धांत बताए थे सिद्धांत मैंने पांच बताए हैं। पहला है सिद्धांत व्यवहार का समन्वय यानी कि व्यवहार ऐसा हो कि बच्चे ने जो भी शिक्षा ग्रहण करी है उस शिक्षा को अपने व्यवहार में ला सके। दूसरा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित यानी कि जिस एरिया में बालक रहते हैं उनका जो स्थानीय क्षेत्र यानी कि
जैसा एरिया है, अगर कृषि गाँवों में तो कृषि और गाँव उद्योग शहरों में अगर उद्योगों से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए। अनुभवों पर आधारित यानी कि जिसको अनुभव तो है, जैसे किसी शिक्षक ने संविधान की शिक्षा तो कृषि के बारे में ग्रहण कर ली लेकिन उसको व्यवहारिक उपयोग में नहीं ला सका, उसके बालक बालिकाओं के लिए जैसे बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान साइंस सब्जेक्ट को आवश्यक होता है, उतना आवश्यक छात्रों के लिए नहीं होता। उसके बाद पाठ्यक्रम के आधार पर सामाजिक सुधार यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका आधार हमारे समाज का सुधार करने वाला होना चाहिए। तो जो आज मैंने आगे इसमें आपको 5 पॉइंट करवाए, जो बचे हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज